सेनापति जी, आप क्या कर रहे हैं? अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, इन्हें ढके रहने दीजिए। मेरे बरसों की तपस्या का ये फल मां, मेरी भक्ति का ये सिला दिया तुमने। मैंने और मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी आपके चरणों में बिता दी। आपके भरोसे मैंने अपनी बेटी को अकेले पाला, ये सोचकर कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आप हैं उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन आज आपने उसकी जान लेने पर तुली है। क्यों मां, क्यों आज मेरी बच्ची इस हालत में है? जवाब दो। रुकिए सेनापति जी, आप अभी ढोल नहीं बजा सकते, अभी माता जी सो रहे हैं, इन्हें जगाइए मत, नाराज हो जाएंगे। जागना होगा इन्हें, और नाराज होती हैं तो हो, आज मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगी, मेरी आवाज बंद नहीं होगी। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इनके पास तो शक्ति है ना, इन्हें मेरी सितारा को बचाना ही होगा। सितारा, सितारा तुम चीटिंग नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम प्रॉमिस किया था तुमने, तुम हमेशा प्रॉब्लम से दूर रखोगी मुझे। तुम ऐसे ऐसे खुद दूर जाकर मुझे जिंदगी भर की तकलीफ नहीं दे सकती। सितारा तुम प्लीज, सितारा प्लीज डोंट डू दिस। सितारा प्लीज 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 सितारा आंखें खोलो। आई नो, मैंने ना सिर्फ एक्सपेक्ट किया तुमसे, रिटर्न में कभी कुछ नहीं दिया मैंने तुमको। तुम मेरे लिए, डैड के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाला हमेशा सितारा। आज जब मेरी बारी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सॉरी सितारा, एक मौका दो मुझे, तुम्हारा ख्याल रखने का, तुम्हारी प्रॉब्लम से लड़ने का एक मौका दे दो प्लीज। सितारा तुम्हें उठना होगा। सितारा मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, उठो सितारा। सितारा जी को होश आ गया। माफ करना मां, शंका की बने।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बच्ची और मेरी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। अगर आज तुम नहीं उठती ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाता। ऐसी बातें मत कीजिए कुर्सा। ऐसा लग रहा है सितारा दर्द हो रहा है ना? तुम आराम करो, हाँ? उठने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ? सितारा, सितारा, सितारा। पापा, कैसी है मेरी बेटी? ठीक हो? ठीक नहीं हो तुम? दर्द हो रहा है तुमको, तुमको आराम करना है। मैं जाके तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनवा के लाता हूँ। या यहाँ पे प्रसाद के सारे थाले यहाँ रख दो और हवन की सारी सामग्री हवन कुंड के पास होनी चाहिए। पंडित जी जाके पूछो कुछ और चाहिए क्या। राजा कुंड कुलदीप, ये माला थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसे भी ठीक करवाई और उनसे कहिए त्रिशूल भी ठीक से रखे हैं। मैं अभी कराता हूँ राजा को। यामिनी, दान दक्षिणा का सारा सामान आ गया है ना? जी भाभी साहब, सारा सामान आ गया है, सारी तैयारियां भी हो चुकी है। भाभी साहब, घर की इतनी बड़ी पूजा इतने कम समय में क्यों रखा आपने? कुछ दिनों का और समय लेके अच्छे से तैयारी करके फिर करते हम लोग। देवर साहब, आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, सालों में एक बार आता है। इस मुहूर्त में भद्रकाली की महापूजा करने से सारे दुखों का, सारी तकलीफों का अंत होता है। और आप तो जानते हैं पिछले कुछ दिनों में हमारा परिवार किस दौर से गुजरा है। इस घर की शांति के लिए, इस परिवार की शांति के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी साहब, बस माता रानी के आशीर्वाद से ये पूजा अब अच्छे से हो जाए ताकि सबके सर से मृत्यु काल कट जाए। राजा कुम, मेष कन्याओं की हिम्मत बढ़ती जा रही है, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि अब बात हमारे हाथ से बाहर होती जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं कुलदीप, इसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन लेकिन इस पूजा के बाद। जी आइए। सितारा, आज का दिन बहुत शुभ है। माँ कह रही थी कि ऐसा लकी डे बहुत रेयरली आता है। हाँ। और आज उस लकी डे को मैं और लकी बनाने वाला हूँ। हवन के बाद में सबको बता दूंगा कि मैं नेत्रा से नहीं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं कुंवर साहब, इतना सब कुछ हो रहा है घर पे और ऐसे में ये बातें करना ठीक नहीं होगा, बाद में बता देना। मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं सबको आज ही बताऊंगा। कौर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना सितारा। इतना बड़ा मौका, इतना अच्छा मुहूर्त, मैं इसे हाथ से जाने ही दूंगा। मैं आज ही सबको बताऊंगा, रिलैक्स। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना मैं करूंगा। ओके अगर कुंवरसा ने आज सबको बता दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे उन्हें रोकना ही होगा, पर कैसे? अब मुझे अपने विष्कन्या होने का सच कुंवरसा को बताना ही पड़ेगा।